हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल में। और हम यहाँ पर बात करें, कल हमने चीनी से रिलेटेड स्टॉक्स बताए थे और मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया था कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है और चीजें लगातार अच्छे खासे तरीके से भाग रही थी। तो अभी इन्हें कूल ऑफ होने देते हैं। कूल ऑफ का मतलब है थोड़ा सा आराम से शांति से इन्हें रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इनकी से रिलेटेड आगे बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने हिंट भी दिया था कि कौन से स्टॉक्स को आपको रखना है, कौन से स्टॉक्स को रखना नहीं है। तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी से रिलेटेड। ये शेयर मुझे यहाँ पर अच्छा क्यों नजर आता है उससे रिलेटेड बातें करूंगा। इससे चार्ट से रिलेटेड बातें करूंगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पर मुझे समझ में आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले टेक्नो इलेक्ट्रिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी करती क्या है यहाँ पर, ये प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एसेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जितनी भी है उन्हें ये मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग के पूरे बिजनेस में है, बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ईपीसी के बिजनेस में है, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर ग्रीन पावर के बिजनेस में भी है। रेवेन्यू की बात करें ईपीसी से लगभग 89% का, बाकी विंड डिवीजन से 11% का। क्लाइंट की बात करें तो जितने भी बड़े जैसे पावर ग्रिड, इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देता है पावर ग्रिड। इसके अलावा ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस, टाटा केमिकल्स, यहाँ पर बात करें और भी डीए अफगानिस्तान, ब्रेशना, शरकट, और बहुत सारे यहाँ पर जितने भी है इनके बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्लाइंट है। ऑर्डर बुक की बात करें तो अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक भी है। डाइवेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर डाइवेस्ट होती हुई नजर आई थी। कंपनी सोल्ड इट्स इंटायर स्टेक ऑफ 49% द झज्जर केटी ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने कुछ डाइवेस्टमेंट केयर कर रखे। तो ये कंपनी इस तरीके से काम करती है। फॉरेन प्रोजेक्ट की बात करें, केन्या में इनका प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट ऑफ केन्या के लिए, अफगानिस्तान में इनके प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। और यहाँ पर बात करें कंपनी की, एक बार वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ईपीसी के बिजनेस में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर जनरेशन, जो न्यूक्लियर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए युगांडा, अफगानिस्तान, टोगो, अफगानिस्तान, केन्या, यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे इनके यहाँ पर प्रोजेक्ट चलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो, ये पूरा टेक्नो इंजीनियरिंग एंड ये कंपनी एक किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस मॉडल नजर आता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड तो मार्केट कैप 3728 करोड़ रुपए का है। तो ज्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर नजर आती है। बट यहाँ पर देखिए डेट फ्री शेयर है, यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरीके का डेट नहीं है। पीई की बात करें, इंडस्ट्री का पीई 25 का है बट इसका पीई केवल 15 का है। इस हिसाब से सस्ता नजर आता है बट पीई के बेसिस पे मैं कभी यहाँ पर बाइंग और सेलिंग नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 256 की आसपास है और करंट प्राइस 338 रुपए के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ और बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो आज इसने हाई बनाया है वो इसने अपनी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा हाई आज के दिन ही बनाया है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, कंपनी का इस बार का रिजल्ट 228 करोड़ रुपए का था जो कि ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा कम था बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा था। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करें 59 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे ज्यादा है बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा कम यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर आप देखिए मार्जिन, तो कंपनी के मार्जिन देखिए 31% के यहाँ पर इनके मार्जिन नजर आते हैं। और ईयरली क्वार्टरली यहाँ पर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी मार्जिन अच्छे खासे यहाँ पर दिखाई देते हैं इसके। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे काम देखे तो 2017 में 120 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी, अभी बात करें तो 1000 करोड़ रुपीज के आसपास की सेल्स। प्रॉफिट देखिए 56 करोड़ से यहाँ पर 264 करोड़ रुपीज का बदल चुका है। तो ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी कंपनी यहाँ पर जब सब चीज बढ़ती हुई नजर आती है तो यहाँ पर नीचे प्राइस पे नहीं मिलती। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का 1900 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की देखे तो यहाँ पर ना के बराबर 20 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। 2 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट वर्किंग प्रोग्रेस में खत्म कर रखे, 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट और 146 करोड़ रुपीज का कैश भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है,
0.03% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, 60.21% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स में देखें तो ये पर्टिकुलर नाम से ये इनके प्रोमोटर्स है। इसके अलावा FIs की बात करें, FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है लगातार। DIs की बात करें, DIs की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, 26.81% की। पब्लिक के पास 11.37% की है, जिसमें जेपी फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 2.05% की होल्डिंग यहाँ पर रखता हुआ नजर आता है। तो ये तो पूरी कंपनी के बारे में हो गया फंडामेंटल्स की, किस तरीके से कंपनी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे टेक्निकल से रिलेटेड, कब शेयर खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, क्या अभी खरीदने का अच्छा टाइम है। सबसे सारे इस जवाब यहाँ पर आपको मैं देता हुआ नजर आऊंगा, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलते रहे। बड़ी मेहनत से यहाँ पर वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपको अच्छी कंपनी के बारे में बताया जाए, बुरी कंपनी के बारे में बताया जाए, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको यहाँ पर बाई करना है, वो सारी की सारी यहाँ पर वन वन प्लेसेस है, जहाँ पर सब चीज अच्छे तरीके से आपको बताई जाती है, और बताने का चीजें भागती भी है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब, बेल आइकन को ही शेयर करिएगा। और आपके लिए एक कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है, ओके। यहाँ पर इस कोर्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पर लोग केवल टेक्निकल के बेसिस पे कुछ भी यहाँ पर बता देते हैं, या यहाँ पर बात करें, पूरी ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती कि किस तरीके से यहाँ पर चार्ट काम करता हुआ नजर आता है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कि यहाँ पर कैसे पता लगाए, क्यों हम ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं, नीचे के लेवल पे हम यहाँ पर खरीद नहीं पाते, और यहाँ पर हम बात करें, अगर हम खरीद भी लेते हैं तो बहुत कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं, वो सारी चीजों का जवाब ये कोर्स है। जब आप इस कोर्स को कर लोगे तो आप थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट ही बुक नहीं करोगे, कभी आप ऊपर के लेवल पे नहीं यहाँ पर फंसोगे, और जब भी आप एंट्री लोगे तभी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं और आप शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कोर्स को 1-to-1 क्लासेस में, वो भी एक-एक बंदे को इस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है कि कोई भी इसे कर ले तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15,000 रुपये का कोर्स है, यहाँ पर लोग केवल एक चीज कराने के आपसे 20-20-30-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो 15,000 रुपये में 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, मतलब हैंड होल्डिंग, प्लस में स्ट्रेटेजी जो मार्केट में यूज होती है, ऑनलाइन नोट्स उसके दिए जाएंगे, एज वेल एज सारी की सारी चीजें, ऐसे ऐसे पैटर्न्स बताए जाएंगे कि आपने कभी यहाँ पर देखा नहीं होगा। 8605405018169261037 कॉन्टेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, आपका फायदा होगा। इस कोर्स को करने के बाद कब कब में आप अपने लॉस से प्रॉफिट में चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगी। एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, जहाँ पर हम अच्छे अच्छे शेयर डेली डालते हुए नजर आते हैं, तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, ओके। कांटेक्ट करने के बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा, 1,000 रुपीज पर उसका मंथली चार्जेस है, जहाँ पर आपके 1,000 रुपीज ना के बराबर है। बच्चे यहाँ पर टॉफीज में उड़ा देते हैं, आप यहाँ पर 1,000 रुपीज देख के यहाँ पर हजारों का काम, यहाँ पर लाखों का काम, एज पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कमा सकते हैं। तो जाके यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को भी यहाँ पर ऐड करिए, जो भी क्लास और क्लाइंट है हमारे, उनके लिए केवल 500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर चार्ज है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो आइए वीडियो की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फंडामेंटल हमने देख लिया, आज के दिन लगभग ये शेयर 7% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या शेयर को अभी ले लेना चाहिए, इस चीज का हम यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपके ये सारे के सारे जवाब आपको यहाँ पर देता हुआ नजर आऊं। तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासे RSI पे चल रहा है, 75 के RSI पे चल रहा है, ओके। यहाँ पर एक 2018 से आप देखोगे तो वो एक लगभग 3-4 साल का यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। जब इस तरीके का ब्रेकआउट होता है ना, तो चीजें बहुत ऊपर जाती हुई नजर आती है, सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है, ओके। यहाँ पर आपको करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 359 के आसपास, ओके, या 350 के आसपास, 350 या 359 के आसपास अगर आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये शेयर दोबारा यहाँ पर आपको 328 के लेवल पे, ओके, या 320 या 22 के लेवल पे मिलता है, तो याद रखिए चीजें दोबारा भागती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि चीजें इस तरीके से काम करती है, यहाँ पर से ऊपर जाएगी, ओके। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर 2-4 दिन यहाँ पर रुकता है तो चीजें यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी, और जो ये शेयर है 300 रुपए का कब 400, फिर 500 और फिर 600 रुपए पे जाता हुआ नजर आएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगी। बट इससे सबसे पहले मैं इसके टारगेट बता देता हूँ कि यहाँ पर कितने आपके टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर टारगेट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न कह लीजिए, या फिर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कह लीजिए, तो सबसे पहला टारगेट आपका ये नजर आता है। थोड़ा सा यहाँ पर और नीचे लेंगे तो आपका सबसे पहला टारगेट
₹412 का आ रहा है अभी शेयर, ₹339 के आसपास है, जो कि लगभग लगभग कितने से कि यहाँ पर 22% की अपसाइड यहाँ पर साफ नजर आती है। तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी पोजीशंस लीजिएगा। शेयर मुझे अच्छा नजर आता है और जो अच्छा नजर आता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोर्स के बारे में सोचिए, करिए सीखिए। जब तक नहीं सीखेंगे पैसे वैसे ही लगाते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। एक बार सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेली पैसा बनाएंगे डेली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।